अब प्योरिटी की पहचान हुई और आसान। एगमार्क स्पेशल हनी, डाबर हनी। अब हजारों साल पहले की बात है, तब इंसान गुफाओं में रहता था, शिकार करके खाना खाता था। कितना कुछ था जो उसे नहीं पता था। जितने भी आविष्कार हुए अचानक ही हुए। नई नई चीजों की खोज संजोग से हुई। कहा जाता है कि लगभग 10,000 साल पहले एक दिन इंसान ने देखा जंगली मधुमक्खियों का छत्ता। ना जाने उसके दिमाग में क्या आया, उसने उस छत्ते को चख लिया। छत्ते में मौजूद शहद की पहली बूंद उसकी जुबान पर लगी और फिर क्या था, दुनिया बदल गई। उफ, वो मिठास, ऐसा ना कुछ पहले देखा था ना चखा था। ये मिठास जादुई थी। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, सभ्यताओं में शहद सदियों से इस्तेमाल होता आया है। कई रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि इजिप्ट यानी कि मिस्र में लोगों ने पहली बार बी कीपिंग शुरू की थी। बी कीपिंग यानी मधुमक्खी पालन। हजारों सालों से शहद इंसान की जिंदगी, धर्म और उसकी किताबों का अहम हिस्सा रहा है। शायद इसलिए एंशिएंट ग्रीक यानी कि प्राचीन यूनान के लोग इसे नेक्टर ऑफ गॉड बुलाते थे। अब ये तो था शहद की हिस्ट्री पर एक छोटा सा क्रैश कोर्स। हजारों सालों को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और आते हैं आज के दौर पर। शहद आज भी हमारी जिंदगियों का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, चाहे वो स्वाद के लिए हो या फिर सेहत के लिए। हर घर में शहद इस्तेमाल होता है। आयुर्वेद के मुताबिक शहद एक योगावाही का काम करता है, यानी जड़ी बूटियों की ताकत को शहद और ज्यादा बढ़ा देता है। इसलिए जब भी हम बीमार पड़ते हैं, घर के बड़े बुजुर्ग हमें पहले शहद के घरेलू नुस्खे बताते हैं। जैसे अदरक शहद खांसी के लिए दिया जाता है, हल्दी दूध में शहद शरीर की सूजन के लिए दिया जाता है। शहद के बहुत सारे फायदे हैं। ये समझ लीजिए कि ये एक पावर हाउस है पोषण का। इसमें होते हैं बहुत सारी न्यूट्रिएंट, जरूरी एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल्स और अमीनो एसिड्स। भाई वाह, शहद से जुड़ी कितनी सारी बातें हमें मालूम नहीं थी ना। आज हमने जाना शहद हमारी सेहत के लिए कितना जरूरी है, हर उम्र के इंसान के लिए फायदेमंद है।